अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी बच्चों, आज हम हर्फ तहजी का हर्फ चे, कौन सा हर्फ पढ़ेंगे? हर्फ चे आज हम लिखना सीखेंगे। मगर इससे पहले हम अपनी जो पहले हर्फ तहजी हम अलिफ से लेकर जीम तक पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अलिफ बे पे ते टे से जीम, जीम के अंदर कितने नुक्ते थे? जीम के अंदर एक नुक्ता। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे चे, चे के अंदर तीन नुक्ते। चे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? तीन नुक्ते। चे के अंदर तीन नुक्ते। ठीक है, कौन सा अल्फा हर्फ है ये? चे। देखें डॉट्स लगे हुए हैं, मैं इस पर लिख रही हूँ कौन सा हर्फ है ये। हर्फ तहजी का हर्फ है चे। क्या लिख रही हूँ मैं? ये चे। ठीक है, चे कैसे लिखेंगे? जिस तरीके से हमने जीम लिखना सीखा था इसी तरीके से हम चे लिखेंगे। चे भी जीम के ख़ानदान का एक हर्फ है, बस इसमें जीम में एक नुक्ता होता है और चे में कितने नुक्ते होते हैं? तीन नुक्ते। चांद, ये क्या बना हुआ है? चांद। चांद किससे आता है? चे से। चे से चांद, चे से चांद, चे से चांद। ठीक है, चे लिखते कैसे हैं? देखिए यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं, इस पर मैं ट्रेस कर रही हूँ, आपको दिख रहा है ना? आप भी इसी तरीके से ट्रेस करेंगे। ठीक है, चे से चांद। और क्या आता है? चे से चाबी। चाबी देखिए ना आप लोग ने, इसे इंग्लिश में हम की कहते हैं। चाबी किससे आता है? चे से। साथ साथ लिखते भी जाएंगे और आप पढ़ते भी जाएंगे। ठीक है, चे से चांद, चे से चाबी, ये गोल हो जाएगा। चे के अंदर तीन नुक्ते, ऐसे करके ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से हम गोल कर देंगे। ठीक है, और अंदर तीन नुक्ते। चे से चांद, चे से चाबी, चे से और क्या आता है? चे से चम्मच। चम्मच देखा है ना आप लोग ने, स्पून, वो भी किससे आता है? चे से। चे से चांद, चे से चाबी, चे से चम्मच। ठीक है, डॉट्स पर हम ट्रेस करेंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे कौन सा हर्फ लिख रहे हैं हम। चे, चे के अंदर तीन नुक्ते। चे, चे के अंदर तीन नुक्ते। ठीक है, चे, चे के अंदर तीन नुक्ते। इसके अलावा और हमारे पास चे से क्या आता है? चूज़ा। क्या बना हुआ है बच्चों? चूज़ा, देखा है ना आपने? चूज़ा, चूज़ा किससे आता है? चे से। चे से चूज़ा। और ये क्या है हमारे पास? चीकू। चीकू देखा है ना, फ्रूट होता है। चीकू भी किससे आता है? चे से। आप चूज़ा और चीकू जब पढ़ेंगे तो उसमें चे का साउंड आ रहा है, च। देखें सीधे, चूज़ा च चीकू। ठीक है, चे से चूज़ा, चे से चीकू। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए बच्चों, एक डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम एक डॉट पर कैसे करेंगे? यहाँ जैसे हमने जीम लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, इसके लाइन के नीचे तो इसका गोल आएगा। ठीक है, मगर जीम के अंदर एक नुक्ता था, मगर यहाँ पर हम चे, चे के अंदर कितने नुक्ते लगाएंगे? तीन नुक्ते। ठीक है, चे से चूज़ा, चे से चीकू। ठीक है, चे से चूज़ा, चे से चीकू। ठीक है, एक बार फिर से देखें, यहाँ मैं लिख रही हूँ जैसे हमने जीम लिखना सीखा था बिल्कुल इसी तरीके से हम चे लिखेंगे, बस जीम के अंदर एक नुक्ता था, यहाँ चे के अंदर कितने नुक्ते आएंगे? तीन नुक्ते। चे से चांद, चे से चम्मच, चे से चाबी, चे से चूज़ा, चे से चीकू। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको चे से बताई हैं। चे, क्या लिख रही हूँ मैं? चे, कौन सा हर्फ लिख रही हूँ मैं? हर्फ चे। यहाँ से गोल हो जाएगा और अंदर कितने नुक्ते आएंगे? तीन नुक्ते। ठीक है, चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, चे के अंदर तीन नुक्ते। ठीक है, क्या है? चे से चांद, चे से चाबी, चे से चीकू, चे से चूज़ा, चे से चम्मच। ठीक है,
छः लिखना आपको बताया गया इस वीडियो में। अब आपका होमवर्क ये है कि अब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और छः लिखना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे घर में, अपनी मामा से कहेंगे, आपको डॉट्स लगा कर देंगी और आप घर में छः लिखेंगे, ठीक है। छः बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं जैसे जीम लिखा जाता है, बस जीम के अंदर एक नुक्ता होता है और छः के अंदर हम कितने नुक्ते लगाएंगे, तीन नुक्ते, ठीक है। ओके बेटा, ये वीडियो बार बार देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।